वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल पी कॉर्नर। सो गाइस, आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ इस सीज़न में, मतलब इस रेनी सीज़न में आपको किस तरह से अपनी सेल्फ की केयर करनी चाहिए, अपनी कैसे केयर करनी चाहिए, वही आज ये वीडियो होने वाला है। तो बेसिकली गाइस, ये जो सीज़न होता है ना, वो बहुत सुकून का मौसम होता है और ऐसा लगता है हमारे आँखों को भी बहुत सुकून होता है, क्योंकि बहुत सबसे सभी तरफ देखो तो ग्रीनरी होती है, तो बहुत अच्छा लगता है हमें बाहर निकलने में बहुत अच्छा लगता है। जब भी रेन हो तो हमें भीगना भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसकी वजह से हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा या फिर हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसीलिए आज आपको सेल्फ जो आपकी केयर होती है ना, वो किस तरह से करनी है, ये वीडियो आपके लिए लेके आई हूँ। तो गाइस, अब हम उड़ने वाले हैं हमारे वीडियो के ऊपर। तो वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और किया हुआ है तो थैंक यू सो मच। तो गाइस, ये जो मौसम होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है, तो इसकी टाइम पे आपको स्किन केयर या फिर अपनी बॉडी का केयर करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी सीज़न हो आपको स्किन को कभी नहीं भूलना चाहिए, तो ही आपकी स्किन हेल्दी रहेगी, शाइनी दिखेगी। तो इसीलिए आपको ना ये वाला वीडियो स्किप कर नहीं करना है, आपके लिए ना ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, तो ये वीडियो ज़रूर वॉच करना। सबसे पहले तो हम ना अपने हेयर से स्टार्ट करते हैं। तो जब भी आप अपने हेयर को वॉश करते हो, तो उससे पहले आपको कंघी करनी है, क्योंकि आपको वॉश करने के बाद, बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो वॉश करने के बाद कंघी करते हैं, अगर आप वैसा करते हो ना, तो आपको जो भी बाल होते हैं ना, वो ज़्यादा टूटने लगते हैं या फिर गिरने लगते हैं, या फिर उनकी जड़ें जो होती है वो कमज़ोर होने लगती है। तो आपको क्या करना है, आप जब भी वॉश करो ना, या फिर आप जो भी ऑयलिंग करते हो, उससे पहले आपको कंघी करनी है और फिर आपको वॉश करना है आपके हेयर को। तो उससे क्या होगा, आपके जो भी बाल होंगे ना, वो एक दूसरे में उलझेंगे नहीं, अच्छे से लगेंगे। उसके साथ साथ आप जब भी वॉश करके आते हो, तो आपको अच्छे से उन्हें जो भी है ना, उन्हें ड्राई करना है, उन्हें अच्छे से सुखाना है, और वो आपको अच्छे से उन्हें बांध के रैप करके रखना है, तो ही आपके बाल जो होंगे ना, वो अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। सेकंड जो टिप है वो है ऑयली पीपल के लिए, अगर आप मेकअप करते हो या फिर मेकअप नहीं भी करते हो, तो अगर आपके फेस के ऊपर ऑयल आ रहा है या फिर आपके कॉम्बिनेशन किए हैं और आपके नोज़ के ऊपर, टी जोन के ऊपर ऑयल आ रहा है, तो ये मेथड जो है ना, वो आपके लिए है। जो भी आपका, अगर मेकअप करते हो तो मेकअप करने के बाद ऑयल आ रहा है या फिर स्वेटिंग हो रही है, तो आपको एक टिश्यू पेपर लेना है, वो आपके फेस के ऊपर रखना है, जहाँ भी ऑयल आया हुआ है ना, वहाँ पे रखना है, और आपको ऊपर से ना ब्रश की हेल्प से जो हमारी लूज पाउडर होती है, उसे डैप करना है, तो ऑयल जो होता है ना, वो टिश्यू पेपर ऑब्जर्व कर लेता है और आपका ऑयल ना ख़त्म हो जाता है, मतलब ऑयल आपका वो सोख लेता है। तो इसकी वजह से ना, ऑयल का जो प्रॉब्लम होगा ना मेकअप करने के बाद, वो भी नहीं होगा। अगर आपने मेकअप नहीं भी किया होगा तो भी आप ये वाले मेथड ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगर आप वैसे ही रहोगे, ऑयली जो आपका फेस है ना, वैसा ही रहोगे, तो जो भी पिंपल्स है ना, उन्हें ग्रो होने में हेल्प होगी, और आपको पिंपल्स इतने आएंगे ना कि आप ना परेशान हो जाओगे, और फिर वीडियो ढूंढोगे कि पिंपल्स को कैसे ख़त्म करना चाहिए, कैसे नहीं ख़त्म करना चाहिए। तो इस तरह से, तो ये नहीं होने के लिए आपको सबसे पहले से ही आपको ध्यान रखना है, और पहले से आपको उसकी केयर करनी है, तो पिंपल्स तो कभी ग्रो होंगे ही नहीं। मेरा जो थर्ड टिप है वो है बॉडी को लेकर। तो गाइस, अगर आपकी बॉडी स्टिकी हो रही है, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि जो भी बॉडी लोशन होता है वो हमें विंटर में ही लगाना चाहिए, इस सीज़न में हमें नहीं लगाना चाहिए, रेनी सीज़न में आपको बॉडी लोशन की कोई भी ज़रूरत नहीं, तो ऐसा नहीं है गाइस, आपको बॉडी लोशन लगाना ही चाहिए। जो भी मॉइस्चर होता है ना बॉडी में, वो लॉक हो जाता है, उससे बॉडी आपकी बहुत अच्छी दिखती है, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट दिखाई देती है, ड्राई नहीं होती है। तो मॉइस्चराइज़र या फिर आप जो भी बॉडी लोशन होता है, उसे आप प्रेफर कर सकते हो, बॉडी देखना बहुत ज़्यादा शाइनी लगेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, और जो मॉइस्चर होना उसमें लॉक हो जाएगा, आपकी बॉडी कभी भी ड्राई नहीं लगेगी। तो बॉडी लोशन आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, कोई भी सीजन आपको बॉडी लोशन लगाना ही लगाना है। अगर आपके फेस पे कोई भी पिंपल्स आए हो, या फिर आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हो रही हो, तो आपको क्ले मास्क यूज़ करना है, क्योंकि क्ले मास्क ऐसे होते हैं जो आपके फेस के ऊपर अगर डर्ट हो तो उन्हें ना खींच के निकालते हैं वो क्ले मास्क। तो इस सीज़न में तो डर्ट होगी ही होगी, किसी भी सीज़न में ज़्यादा डर्ट होती है, लेकिन इस सीज़न में बहुत ज़्यादा थोड़ी सी डर्ट होती है, तो उसी लिए आपको क्ले मास्क यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट में बहुत सारे क्ले मास्क अवेलेबल है, लेकिन वो अफोर्ड नहीं करने के लिए, या फिर आपको घर पे आप बना सकते हो, अच्छे से बना सकते हो, आपके पास बेसन होता है, आपके पास हल्दी होती है, और आपके पास पानी तो होता ही होता है, उन्हें ऐड कर लीजिए और अच्छे से उन्हें अपने फेस के ऊपर लगा लीजिए, और जब आप सूख जाए उन्हें, तो उन्हें अच्छे से धो लीजिए। ये हो गया हमारा DIY क्ले मास्क। तो ये आपके जो भी फेस के ऊपर डर्ट होगी,
उसे निकाल देगा और आपके जो भी ओपन पोर्स है या फिर अगर आपको पिंपल्स आते होंगे तो उन्हें ये क्लीन कर लेगा। इसे आपको वीक में 3 बार्स करना है तो आपको रिजल्ट आपको दिखाई देंगे ही देंगे, तो आपको इसे ज़रूर ट्राई करना है। नेक्स्ट जो मेरी टिप है वो है वाटर के लेकर। तो गाइस मैं हर वीडियो में या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में आपको बताती ही रहती हूँ कि आपको ना वाटर इंटेक करना है बहुत ज़्यादा नहीं। अगर आप वेट गेन कर रहे हो ना तो नहीं गाइस, बहुत ज़्यादा नहीं, 7 to 8 glass आपको वाटर इंटेक करना है। जितना आपके बॉडी को चाहिए उतना आपको वाटर देना ही देना है, उससे आपकी बॉडी मॉइस्चराइज होगी, अच्छे से हाइड्रेट रहेगी। तो गाइज आपको ना इस सीज़न में, मुझे पता है कि इस सीज़न में हमें ना बहुत ज़्यादा वाटर नहीं चाहिए होता है, लेकिन हमें लेना चाहिए, हमें हमारे बॉडी को चाहिए, हमें बॉडी को उतना, आप जब जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप जो भी पी रहे हो ना उससे अलावा आपके बॉडी को वो वाटर होता ही होता है, चाहिए होता है। तो गाइज आपको 7 to 8 glass वाटर लेना ही लेना है, उससे कभी भी स्लिप नहीं करना है आपको। वो वाटर लेने से आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी, मॉइस्चराइज रहेगी, आपकी स्किन में ना ग्लो भी आ जाएगा, तो आपको ये लेना ही लेना है। अच्छा मेरी टिप है वो है स्किन केयर को लेकर। तो गाइस ना सिटीएम जो प्रोसेस होती है वो आपको करनी ही करनी है। सिटीएम में क्या होता है, क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग, वो आपको कभी भी नहीं छोड़ना है। शाम हो या फिर मतलब रात हो या फिर आप सुबह जब उठे हो ना तो भी, आप जो भी फेस वॉश कर रहे हो तो आपको सिटीएम प्रोसेस करनी करनी होती है। आपको स्किन केयर को कभी भी स्किप नहीं करना होता है। अगर आप स्किन केयर को स्किप करोगे तो ओपन पोर्स, ब्रेकआउट्स, ब्लैक हेड्स या फिर पिंपल्स या फिर एक्ने, आपको पता नहीं गाइस कितने कितने होते हैं जो हमारे फेस के ऊपर आते हैं, वो ना देखते ही रहते हैं। अगर आप स्किन केयर एक दिन भी नहीं करोगे ना तो वो आते ही रहेंगे। वो तो ना मतलब ऐसे देखते हैं ना कि आप जब एक स्किन केयर नहीं करोगे ना तो एक तो एक्ने आता ही आता है, एक तो पिंपल्स आता ही आता है। मेरे साथ बहुत ऐसा होता है, अगर आपके साथ होता है ना तो मुझे कमेंट में जरूर बताना गाइस। तो गाइस आपको स्किन केयर कभी भी स्किप नहीं करनी। और हाँ गाइस, इस सीज़न में आपको कोई भी प्रोडक्ट के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, क्योंकि इस सीज़न ऐसा होता है कि ब्रेकआउट्स हो जाए ना तो उन्हें हील होने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। तो आपको क्या करना है, कोई भी इस सीज़न में थोड़े से ठहरिए और फिर आप जो नेक्स्ट सीज़न आएगा ना उसमें आपको जो भी प्रोडक्ट पे ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है वो कर लीजिए, लेकिन इस सीज़न में बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। अगर आपने नया प्रोडक्ट कुछ ट्राई करना है तो आपको ना पैच टेस्ट लेनी है, उसके बाद 2 बार पैच टेस्ट लो, पहले दिन लो, दूसरे दिन लो और उसके बाद 3rd दिन आप उसे यूज़ करो। लेकिन आपको बिल्कुल भी मेरे सीज़न जाओगे तो बिल्कुल भी आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करनी है। और हाँ गाइस, आपको ना ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं यूज़ करना, मतलब लॉट्स ऑफ प्रोडक्ट यूज़ नहीं करने हैं। आपको 10-11 प्रोडक्ट्स या फिर 10-20 प्रोडक्ट नहीं यूज़ करने हैं। जो भी 3 मीटर होती है सिटीएम प्रोसेस की वही आपको करनी है, उतना ही आपके लिए काफ़ी होता है। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करोगे तो आपका स्किन और ज़्यादा बहुत सुंदर दिखेगी, ऐसे नहीं होता है, वो और ज़्यादा डल दिख सकती है और ज़्यादा वो ख़राब हो सकती है। तो गाइस जितने आपके पास है या फिर जितने कम से कम प्रोडक्ट में आपको आपका स्किन केयर जो होता है ना वो कंप्लीट कर देना है, या फिर आप 4 पॉइंट लगते हैं, फेस वॉश लगता है, टोनर लगता है, मॉइस्चराइजर लगता है, सीरम लगता है, तो इतने में भी आपका जो भी स्किन केयर है वो हो सकता है। तो गाइस ये वाला जो वीडियो है स्किन केयर वाला वो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर वो हेल्पफुल लगा तो लाइक कर देना। और हाँ गाइस, अगर अपने फ्रेंड के साथ फैमिली के साथ उन्हें हेल्पफुल लगने के लिए शेयर भी कर देना, और मेक श्योर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।